पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ हो रहा है अत्याचार, पूरे हिंदुस्तान में बच्चियों के साथ हो रहा है अत्याचार। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार? पहले जब स्कूल पढ़ा करते थे तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ा था, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ये मछलियों की कहावत आज हमारे बहन बेटियों पर आ पहुंची है इस मोदी सरकार में। ये सरकार रेपिस्ट को रोकने में निकम्मी हो चुकी है। जब से अमित शाह होम मिनिस्टर बना है तब से तो और रेपिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, इस देश में आधे घंटे के अंदर नोटबंदी हो सकती है, तमाम पूरा इंडिया लाइनों में खड़ा हो सकता है, उसके अंदर हजारों लोगों की जान जा सकती है, तो रेपिस्ट के ऊपर कानून क्यों नहीं बना सकते? जिक्रिया, आसिफा, ऐसे कई नामों की लिस्ट है, होते जाते हैं। हिंदुस्तान का हर नौजवान कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करते जाता है, तो फिर ये कीड़े इसी भीड़ में से, इसी लोगों में से कैसे पनप रहे हैं? ये कीड़े, ये दलिंदर कीड़े, इनको मिटाने की बहुत जरूरत है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग आवाम जो ऐसे लोगों को पकड़ती है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस के हाथ में मत दे, उन्हें वहीं पे जगह पे मसल दे जब तक ये कानून नहीं बनता। मैं उन पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि वो कोर्ट कचहरी को ना भेजे, जेल को ना भेजे। इतने इनकाउंटर करते हो, एक से एक इनकाउंटर करके इन लोगों को वहीं मारा जाए। मैं उन जेल में रहने वालों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप बाहर इतने मर्डर कर जग गए हैं, अंदर ऐसे कीड़े आने के बाद आप जेल के अंदर इन्हें मर्डर करें जब तक ये कानून नहीं बनता। मजलूमों पे अत्याचार नहीं होगा, बेटियों पे अत्याचार नहीं होगा। इस्लाम का एक कानून ना कर देखो, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार नहीं होगा, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार।